हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं, जो कैंप में पीने का पानी कैसे आता है, और यहाँ पर जो कि ट्रक के माध्यम से पानी आता है और फिर उसके बाद टंकी में लोड किया जाता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरीके से पानी का गाड़ी आता है दुबई में, और पानी पीने का पानी ऐसा ही आता है। इधर देखिए, लगा दिए मोटर और इसमें जो भी कनेक्शन हो गया, और ये डायरेक्ट ऊपर वाला टंकी में चला गया, और ये कनेक्शन हो गया इधर इसमें। मोटर चालू हो गया। तो ये है ड्रिंकिंग वाटर का गाड़ी, ऐसा ही गाड़ी आता है और ऐसे ही मोटर लगाकर चालू कर देगा और ऐसे ही टंकी भर जाएगा। ऐसे ही इधर पर पानी पीने के लिए आता है। ये है लाइफ स्टाइल दुबई की। ये है हम लोग का कैंप, ये देख सकते हैं सामने जो कैंप है, ठीक ऐसा ही कैंप इधर वाला भी है। ये वाला भी कैंप ऐसा ही है और ये कैंप है। इसके अलावा आगे उधर जो कि मस्जिद है सामने, और ये है जो कि पेड़ पौधा है। ये आप देख सकते हैं कि जो कि खजूर का पेड़ है, बैर का पेड़ है, और आगे फिर खजूर का पेड़ है, और उधर साइड में पूरा नीम का पेड़ लगा हुआ है। और इधर जो कि कपड़ा टांगने के लिए जो कि बनाया कंपनी, देखिए। बाकी उधर सामने दूसरा कंपनी, उसका दूसरा कैंप है, और इधर पेड़ पौधा है, बहुत ही अच्छा हवा लगता है। यहीं पर बैठता हूँ दिन भर और हवा में जो कि मौज करता हूँ। बाकी देखिए भी कितना दिन बैठना होता है। दोस्तों, ये लाइफ स्टाइल रिजाइन मारने के बाद बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। 15-16 दिन हो गया बैठते हुए, देखिए अभी कितना दिन बैठना पड़ता है। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद।